Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की
धन्यवाद। कल्याणकामी माताओं बेटियों बुजुर्गो और मेरे विचारशील भाइयों, अपने इष्ट भगवान जी की महती एवं आकर्षणीय कृपा के फलस्वरूप बड़े आदरवान सत्कार और विशेष गौरव का अनुभव करते हुए हम इन दिनों इस दिव्य मेला में उपस्थित हुए शरण कर रहे गए योग संन्यास योग 18वां। बहुत कमाल का ये अध्याय भगवान ने हमारी कृपा के लिए चलाया है। याद रहे, जब भी आप सुनी आया करें और बैठा करें तो पहले ये याद करें कि इस अध्याय के बैकग्राउंड में या पृष्ठभूमि में है क्या। क्या महाराज, जीव है संन्यास और त्याग में फर्क क्या? महाराज जी चाहती है अर्जुन से सवाल करवाया, भगवान ने हमारे आने वाली जो है कल्याणकामी पीढ़ियों के लिए महाराज जी ने खुद चलाया है, जो कल्याणकामी पीढ़ियां आ रही है वो इसके तरह, तो भगवान कैसे चाहते मुक्त कैसी हो? क्योंकि हमारा हिंदू धर्म छोटी को तब पहुंचता है जब जीव मुक्त हो जाता है, आवागमन छुट्टी पा लेता है। तो कैसे मुक्त हो? भगवान त्याग की भावना बता रहे थे। जब कोई त्याग की भावना चाहे दृष्टि में रखे, चाहे वृत्ति में रखे, चाहे प्रवृत्ति मार्ग में हो, चाहे वृत्ति में हो, जब त्याग की भावना रखेगा कल्याण जाएगा उसको। ये जब आप बैठे इस समय आकर तो ये रखे कि भगवान त्याग से मुक्ति का उपदेश दे रही है, फिर आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर प्रसंग क्या चला लिया, जो भी प्रसंग चलेगा 18-78 श्लोक का त्याग नीचे होगा। त्याग 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 से शांति, जैसे भगवान ने कहा तर्क समर से वो फौरन सकूं। भक्त का तो जितनी तेरी ममता है सब छोड़ दे, बार में जाए में देख के छोड़ने ही है ना, सारे छोड़ने का कितना जो है। महाराज बोलते गए बोलते गए, जब उन्होंने इच्छा करना भक्त वही है मेरा भक्त का। अब आप पढ़े कोई भी श्लोक इसका ले, देखिए जरा, किसी को भी आधार देता नहीं, किसी से त्याग जाओ, किसी से भी आधार लेता नहीं, किसी से भी आधार देता नहीं, बड़ी दुख जो है क्यों गमो वही है मेरा भक्त। क्या 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 जिनको छोड़े हुए, जिनको निकले हुए, कभी देता आजाद घर बार से छोड़े हुए, एक एक श्लोक पढ़िए भगवान के नीचे। क्या 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 भी कर्म योगियों का कर्म कर बेचक, लेकिन फल की ओर नजर रख के मेरी ओर नजर आए, उधर से त्याग उधर अनुराग। महाराज के संसार की वृत्तियों से त्याग और भगवान के चरणों में अनुराग, अनुराग मैंने प्रेम मोहब्बत जुट जाना। तो गीता कृष्ण बार बार ये कह रहे भक्तों का जमाने में कोई भी चीज तेरी नहीं सिवाय मेरे, जो आप क्या ज्ञानी का तो है ही आत्मा, और आत्मा की तरीफ क्या बताई, जन्म इसको लेना न मरना, आकर जहां से अनादि पदा और तगैयर से पास, ये मरती नहीं वो बदल। बड़ी कमाल की परिभाषा है आत्मा की, न हन्न के हन्न माने शरीर, कमाल कर दिया प्रभु ने। यानी त्याग की भावना, जो भी जिस मार्ग पे जाता है त्याग का पाठ पढ़ा दिया, त्याग त्याग त्याग। तो बड़े सुंदर पाठ, बहुत ही सुंदर पाठ। अब जहाँ 18वां अध्याय इसमें भी त्याग का प्रसंग चला है। कर्म करने वाले तीन प्रकार के होते हैं, कर्ता। अब हमने तो जिंदगी का आखिरी सांस का कर्म करना है, भगवान ने तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में स्पष्ट कहा है, जहां में न देखोगे कोई भी फर्क है। और निठल्ला कोई बैठ जाए चाहे करोड़ों पति हो, निठल्ला तो बैठ नहीं सकता। तो आप कहेंगे क्यों? या तो वो गुणों से अतीत होकर समाधि में बैठ जाए, गुणों से अतीत, तमोगुण को दबा के रजोगुणी बन जाए, रजोगुण को दबा के सतोगुणी बन जाए, सतोगुण का लाभ उठाते हुए स्वरूप में तलीन हो जाए, तब तो बात है। और जब तक गुणों में है कुछ न कुछ करता है, गुणों ही से फितरत के यही प्यारा शास्त्र जो देवी और सजो जो दलील के साथ उपदेश देती है। दुनिया में कोई धार्मिक शास्त्र है जिसमें कोई दलील नहीं हो, छोटे छोटे बोल है, छोटे छोटे बोल, कितने शास्त्र वालों इतने इतने बोल है, दलील का तो नामो निशान ही नहीं। आर्गुमेंट देना, युक्ति युक्त बात करना, ये भगवान को शोभा देता है। ये दलीलें दे के, आर्गुमेंट दे के, युक्तियां दे के करके तो गवाही मान गया भगवान, ना मानने वाली बात ही कोई, मेरे सरकार आपने बिल्कुल ठीक कहा, शाबाश। दोबारा की दलीलें दे करके मना लेती है, हम लोग सहमत हो जाती है प्रभु के अनुरोध उपदेश या उनके नेक राय के साथ। आप क्या कहा, कर्म करने वाला कौन? सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी, बहुत अच्छे। सुतो भगवान के तहत सतोगुणी कर्म, कर्म आप सतोगुणी कर्म देखा, त्याग
क्या त्याग मेरे भगवान का तल्लुक से बाला उन्हीं से बाला। देखो मोह वो निर्मोह मोह का त्याग, अहंकार का त्याग, बिल्कुल त्याग हमने थे, इरादे का मजबूत, जो कमजोरी का त्याग, जो मन में बात बात में कमजोरी, कमजोरी कब आती है, जब हम अपने अनुकूल वातावरण को चाहते हैं। भाई ये तो संसार है, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, घाव घाव में पानी पीना पड़ेगा। तो स्वामी जी का दृष्टांत घोड़े को कुएं की घाव घाव में पानी पिलाना ही पड़ेगा। तो क्या जिस हाल में रखे साहब उसी हाल में रही हूँ, जिस हाल में रखे साहेब उसी हाल में रही हूँ। तो ये त्याग हो गए जो आप कर रहे मेरे वाले, उसके बाद दिल का कभी दिल उसका बड़ा मजबूत होगा। ये बराबर है जिसके लिए हार जीत, त्याग द्वंद्व का त्याग। ये द्वंद्व जो है हार जीत लाभ हानि मान जो भी लोग, ये तो चलते चक्कर में, रब ने बनाया चक्कर में, आपके दिन होना चाहिए रात नहीं। आप रब किस तरह मन ने, रब ने बारह बारह घंटे में टुकड़े काट दिए, बारह घंटे वो बारह घंटे वो, अब कभी गर्मी होनी चाहिए सर्दी ना हो, रब किस तरह मन ने। ये कहीं ऊपर सर्दी अनुकूल होती है, मैंने सर्दी भाव है तो रब ने कहा गर्मी में कहा बलैते भेजी। अब ये करे चाहिए क्या मैनू, मैंने तो मैंने लाभ भावे हानि ना भावे, तो रब ने कहा हानि का। अब हमें कहने के चाहिए भगवान के भगत मैनू वही भाव है जो तनु भाव है, सब तो छुटकारा है मेरा और आपका। अगर हमने पंगा ले लिया तो फिर रोना पड़ेगा, पंगा नहीं लेना, मनु वही भाव है जो तनु भाव है। यह है लाभ की एक बात, इसे आप दूसरी बोली बोलेंगे राजी बार रजा, हमारे जो आपकी इच्छा है वही इच्छा। तब तो मेरे देवी हम सब का चुका त्याग हो गया। किसका त्याग? अपनी कामना का त्याग, अपने झुकाव का त्याग, अपने कुछ बस जो आपकी कामना है प्रभु वही तो मेरी कामना है। अगर हमने अपनी ओर से कामना रख ली ठोके रख दी बुरी बुरी तरह, तो त्याग से ही मुक्ति है हमारा हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म के बानी मुबानी, हिंदू धर्म के फाइंडर, हिंदू धर्म के प्रवर्तक भगवान कृष्ण बार बार बता रहे हैं। जिन्होंने दावत और कह सकता है तस्मा भगवान के, मैं दीनी अजल का भी हूँ, मेरी जात आदि मैंने मनुष्य जाति बनाई और मनुष्यों के लिए अनादि काल से धर्म बनाया। कौन कहे ऐसा शब्द, वो कह रहे कि चुनत करे थप्पड़ काम जाए, मैंने ही मनुष्य जाति के कल्याण के लिए शुरू से धर्म बनाया। अजल होता है अनादि काल से, मैंने ही बनाया इनके कल्याण के लिए और फिर बना के अपनी जात में इनको राहत दी आराम दिया। धर्म का मतलब भगवान की शरण लेकर, फिर भगवान ने कहा दीने अजल का भी हूँ आदरा मेरी जात। धर्म क्या करेगा, हाथ पकड़ करके भगवान के चरणों में शरण दिलवाए। जैसे माँ गया था स्वामी जी से जापान के अंदर, जब पहली बार जापान पहुंचे और उनको यूनिवर्सिटी का हॉल में ले गए और वहां उनका लेक्चर हुआ कामयाबी का रहस्य, ये उनका सीक्रेट ऑफ सक्सेस, एक बार जरूर पढ़िएगा। जापान में थर-थर मचा दी स्वामी जी ने ये लेक्चर देखकर, फिर आप खुश हो जाएंगे ये सुनकर। जब उन्होंने सुना हाँ तो काफी लगा, बाद में पता घेर लिया स्वामी जी को बीच में सब, और अब पुरानी जगह जाके यही लेक्चर दोबारा दो। हाय वहां डेढ़ घंटा, वहां तीन घंटे का इसको विस्तार से लेक्चर दिया। दर्पण जी मेरी देवियों सफलता की कुंजी, बड़ा खतम का लेक्चर है सफलता की कुंजी। अंग्रेजी पढ़ना हो तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस, अंग्रेजी में दिया सीक्रेट ऑफ सक्सेस, के जीवन में हर एक कामयाबी अगर उसका राज का पता ही नहीं, एक कामयाबी के राज क्या हो जिससे हमेशा कामयाबी हो, ना कामयाबी काला मुंह ना देखना पड़े। तो अभी अभी वो अपने अनुभव से जन्मों से उतरे थे कि महाराज जिनको जापान ले गए, फिर दोबारा बड़ा बड़ा कमाल का भाषण दिया, बहुत हो सकता। तो वहां तो इस प्रकार राज की बात खोलते हुए बताते हुए हमारे महापुरुष बड़ा कल्याण करते हैं, हर रूप में कल्याण करते हैं। राज की बात नहीं, इतिहास तो कहते हैं भाई सीधी बात है, राम को तो अपने भगवान से ये पता लग गया है कि कोई कामयाब कब होगा, जब त्याग त्याग करेगा। कैसा त्याग? तो वहां पर जब हम ये रिवाज है कि जहां तुम्हारा कुछ आए ना तो वह जब बत्ती जलाते हैं, अब तक हो जनो मैंने कह सकता उसके आदर में, जैसे हम लोग आदर प्रकार में कई कुछ करती है, वो एक दीपक जलाती है। वो कहते हैं ये महापुरुष हम लोगों को क्या देने आए हैं, ज्ञान की घोषणी देने आए हैं। दीपक को वो ज्ञान का प्रतीक मत, हम भी तो मानते हैं संतो मा ज्योति, हम भी कहते हैं उन्होंने भारत की रक्षा की है, क्योंकि जापान में तो बुद्ध पहुंचा था ना, बुद्ध नहीं तो उसके रंग उनको रंग में रंगा, बुद्ध और तिब्बत ये सब इन्हीं के रंग में रंगे हुए। और चाइना चाहे उन्होंने ठोके मार के तो धर्म को निकाल दिया, तो सारे इसी रंग में रंगे हुए थे। तो दीपक जल रहा था, उन्होंने कहा भाई कामयाबी का राज क्या है, जो आपका प्रतीक है योर सिंबल सक्सेस। सारे हैरान होकर खड़े हो गए, क्योंकि जब वो लेते तो अदब करती है, सिर झुका देती है, जैसे कोई बड़ा आता है तो स्टैंड अप हो जाती है, उससे झुका देती है, जब वो
पदार्थी तब हम कहते तुम उनके जो कैसे क्या आपका संबल ये कामयाबी का राज ये हमें गुरु बन रहा है दीपक जैसे वो हमारे दीपक चल रहा है इस समय भी चल रहा है अब ये कुर्बानी कर रहा है अपनी बत्ती को भी साड़ रहा है जो उसके अंदर वो जिंदगी है जी उसको भी जला रहा है और आपके अधिकार को दूर कर इससे बड़ा त्यागी क्या अपना असास्ता सारा जला रहा है इसका साथ क्या है बत्ती और नीचे घी दोनों ही प्रदान कर रहा है दिए जा रहा दिए रहता दिए जा रहा और आपके अधिकार को खाया नहीं ले जा रहा तो इसकी परमात्मा क्यों ना मदद करे इसी से मुसलमानों ने जीत बनाए जो हमारे उन दिनों 1930-35-36 में दुआ पढ़ा करते थे लग के आई है दुआ मेरे बच्चों को सबको याद होगा जो मेरी उम्र वाले हैं लग के आई है दुआ बन के तमन्ना मेरी मेरे अंदर की जो लालसा थी बर्निंग डिजायर थी वो मेरे लबों पे प्रार्थना बन के आ गई लग के आई है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी क्षमा की सूरत वो खुदाया हे परमात्मा मेरी हार्दिक इच्छा लबों पे आ गई है और मैं ये कह रही थी गुरु के नई जिंदगी बनाना चाहता है तो क्षमा दीपक की तरह बना दे जो सब कुर्बान कर देता है अंधेरा खा जाता है और अनेकों को रोशनी दे जाता है मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूं और अनेकों का कल्याण कर दी कर दो लाइनों में अपनी बात लब्बे आई है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी क्षमा की सूरत वो खुदाया मेरे परमात्मा मेरी जिंदगी दीपक के समान हो सब कुछ ये राज भगवान निरालक जी की बता रहे हो त्याग अपने आप को त्याग किया परमात्मा की बड़ी मदद करता है बड़ी मदद करता है जो त्याग हर प्रकार की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है इसके बाद दूसरा दृष्टांत स्वामी ने ये करके ये जब ये दृष्टांत किया था वो गुरु को कहते आज पहली बार हमें किसी ने बताया है कि दीपक का अर्थ क्या होता है इतने गुंजे प्रिंसिपल ने इतना झूम उठा वो फर्स्ट टाइम कि हम इसकी अर्थ समझ रहे सही रूप में दीपक संबल क्यों बना दूसरा स्थान जो प्रकृति उनको गुरुओं को पता वो कहते हैं प्रकृति में जितने प्रकार की सब्जियात हैं जिनको हम अपनी भाषा में कहेंगे वनस्पति जितना भी प्लांट किंगडम है जैसे प्लांट बोलते हो प्लांट किंगडम अपनी भाषा वनस्पति वर्ग कहेंगे जितने भी वृक्ष हैं जितने भी फूल इत्यादि हैं ये सबको एक शब्द बोलेंगे वनस्पति वर्ग तो ये इनके अलग अलग रंग क्यों सबके रंग में सात रंग क्यों नहीं जबकि इनका पेंटर इनमें रंग भरने वाला तो है सूरज अगर नहीं पता तो आज मेरी से जानकारी कर लो जितनी प्रकृति वनस्पति है कोई हरा कोई पीला कोई नीला कोई लाल कोई गुलाबी कोई नेवी ब्लू बोलती हो कोई स्काई ब्लू बोलती हो कोई जामनी बोलती हो तो पानी कितने रंग बनेंगे और रंगा रंग के फूलों के बगीचे में जाए तो देख के गंदा तो जाते हैं वहां पेंटर और कहां सुंदर पुरुष तक आएंगे फिर से टच भी करेंगे कितनी अच्छी की है फिर कृष्ण जाने का अवसर मिले तो वहां पर जो पुराने तालाब है उसमें जरा जाइएगा और उसमें कितने बड़े बड़े इतने बड़े बड़े मैंने ठीक है ये कमल के फूल है अब वो कमल का फूल जरा और उसके अंदर जो लाली भी है वो लाली भी कहां से आएगा लाल भी है या क्या है जो फिनिशिंग टच जो तो पैद है ये कमल की पोखड़ियां हाँ और उसके अंदर जो टच किया वो चढ़ते सूरज वाला जो टचिंग है वो जो पुरुष हमारा उसके अंदर कमाल गजब खा दिया जो सफेद और अंदर पुरुष लाली लाली कहे लाखा कहे मेरे को समझ नहीं सकता क्या चमक दिए पुरुष भी क्या पुरुष का लिया था ऐसी पुरुष भी कभी बन सकता है थोड़ी 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 चमक आ रही लाली की कमाल तो ये तो फिर स्वामी ने कहा जब माता तो सबने कहा कि बिल्कुल ठीक है क्योंकि सूर्य की पेंटर है उसमें सात रंग है और इसमें कोई ये शंका वाली बात नहीं उसमें सात रंग नहीं सात रंग कभी गिनने हो तो बरसात आने वाली है तो कभी आप देखेंगे कि ऊपर कौशक इंद्रधनुष या रेनबो बने इंद्रधनुष बनता है आपका बरसात में शाम के वक्त खास करके जब सूर्य अस्त होने जा रहा हो तो पूरे गिन लेना सात रंग रेनबो के अंदर जब वो बन जाती है कौशल कजा या अपना इंद्रधनुष पूरे सात रंग तुम्हें सारे सात रंग क्यों नहीं हर एक के अंदर कोई भी नहीं जवाब दे सकता जब सूर्य पेंट करने वाला सूर्य के पास सात रंग है तो उसके सारों में सात रंग क्यों नहीं भरे स्वामी जी दो मिनट के लिए रुके कोई जवाब रस्ते नीचे फेंक करके कुछ ब्रेक लेडी उठी उनके लगे डिवाइन फादर आप ही इस पर रोशनी डाले बड़े प्यारे शब्द थे उस लेडी के डिवाइन फादर आप आए मेरे हमारे धार्मिक पिता आप इस पर रोशनी डालिए अब स्वामी जी की शब्द सुन स्वामी जी कह रही है एक एक जर्रा जर्रा प्रकृति का त्याग का उपदेश देगा क्या अब जिसमें हरा रंग है
का हरा बन गए। हाँ, अब ये बोलने में ठीक है और लेकर असलियत में साइंटिफिकली गलत है। कैसे? सूरज ने सातों रंग इसको दिए, हर एक में सूरज ने सात रंग रखे बेटे। अब तो उन्होंने खोज लिया, अब तो हाँ करके तो हैरान हो गए। लेकिन अब नवाब जी में जाके जब ये शब्द निकले थे तो गूंज उठे कई कंट्रियों के। सूरज सातों रंग देता है लेकिन जिसको हम हरा कहती है कि उसने रिजेक्ट किया कि मुझे इस रंग की जरूरत नहीं, मैं ये रंग नहीं चाहता। बाकी उसने जज्ब कर लिए, बाकी उसने जज्ब किए है, अपने में ले लिए है और इस हरे को निकाल दिया, जो नहीं चाहिए। तो जिसको निकाल देती है वो रंग और बढ़ गया, वो और बढ़ गया, वो और बढ़ गया। जिसको निकालते के बाद जज्ब करता है छह के छह रंग। अब जिसमें लाल है बाकी उसने जज्ब कर लिया, लाल को जट किया, मुझे ये रंग नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए वो मर जाता है। तो स्वामी कहते हैं जिन जिन चीजों का त्याग करती है परमात्मा आपको और और जिस वस्तु का त्याग करेंगे भागती फिरती दुनिया जब तलब करते थे हम, अब जो नफरत हमने की वो बेकरार हानि को है। ये प्रकृति का नियम है। जिसको आप पीला रंग कहते हैं उस पीले रंग तो उसे बाहर निकाल दिया कि ये रंग नहीं चाहिए, मैंने बाकी स्वीकार कर लिए। तो जो नहीं चाहिए प्रकृति का नियम है वो और बढ़ जाता है, वो और बढ़ जाता है, वो और बढ़ता है। जिस वस्तु का त्याग करेंगे वो और बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा, और बढ़ेगा। धन का त्याग करें धन और बढ़ता है, मैं ज्ञान का त्याग करूं ज्ञान और बढ़ जाएगा। अगर आप सेहत किसी की लगाएंगे सेवा में सेहत और बढ़ जाएगी। ये परमात्मा का नियम है। पानी बाढ़े नाव में, हमारे संत क्या कह गए दिव्य सुजनों, अगर नाव के अंदर पानी आ रहा है, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और घर में धन भगवान ज्यादा दिए जा रहा है। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीजिए ये सज्जन को काम। अगर नाव बन गया जितने यात्री बैठे हो उठो, चाहे जुत्ती भर भर के भी पानी, बूट भर भर के पानी बाहर निकालो, अपने निकालो, कोई बर्तन नहीं है तो निकालो, या मुठियां भर भर के ये बना करके वो बाहर निकालो चबक। और अगर घर में धन बढ़ता जा रहा है निकालो ताकि लक्ष्मी और आए, लक्ष्मी और आए। पानी निकालो बाहर ताकि कहीं डूब ना जाओ, ये निकालो बाहर, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। दान दिए धन न घटे कह गए दास, श्री चोच भर ले जो नदी न घटियो। मेरे बच्चे ये प्रकृति हमारी गुरु है, बता रही है जो चीज आप छोड़ेंगे वो बढ़ती जाएगी, जिस चीज का आप त्याग करेंगे वो आप बढ़ती जाएगी। फिर त्याग के बाद होता क्या है? क्या ये मैं और आप कोई भूल सकेंगे? त्याग आप शांति अनंतरम बारवा अध्याय करके समर से वो वही फौरन तत्काल होती है। तत्काल वही कभी आपको शांति लगे, तत्काल थोड़ी देर भी नहीं, वही कभी बहुत अच्छी। ये प्रकृति के इन्हीं परमात्मा का ऐसा बनाया, छोड़ो और भगवान आपको और देगा, छोड़ो और भगवान आपको और देगा। एक मैं आपको और सुनाया करता हूँ, एक हाथ से तू लुटाएगा खजाने, सौ हाथ से मालिक तेरे भर देगा। क्योंकि बंदे का एक हाथ और रब के उसी की है दस पांच चार सू, उसी का है रख लू नमा चार। हमारे तो एक हाथ है और भगवान के तो सहस्त्र हाथ बोलती है, सहस्त्र मेरे हजार, भगवान के तो रख लू मेरे हजारों हाथ है। बंदे को एक हाथ से देगा, यू ही करेगा ना, तो अपने कई हाथों से भर देगा। एक हाथ से लुटाएगा खजाने, सौ हाथ से मालिक भर देगा खजाने। मालिक का नियम ही रहता है। आइए कि त्याग से क्या होता है, त्याग से क्या होता है, त्याग से शांति मिलती है, त्याग से जीव मुक्त हो जाता है। क्योंकि किसी वस्तु के साथ उसका लगाव नहीं होगा, वो बिल्कुल ही बारा कर रहेगा, अपनी कर्तव्य कर्म कर जाएगा, इससे वो मुक्त हो जाएगा। ये खूब कहा मेरे हमारूर ने, बराबर है जिसके लिए हार जीत वो आमल सतोगुण की रखता है रीत, वो आमल सतोगुण की रीत रखता है, उसका ऐसा जीत करेगा। अब भगवान ने आगे कहा, ये जो आगे कर्म करने में रजोगुणी तमोगुणी है, ये तो बात ऐसे है अपनी बर्बादी मचा रहे हैं, अपने लिए खुद दुखों के समाप्त पैदा कर रहे हैं। क्योंकि कर्म तो वो भी करता, कर्म वो भी, लेकिन रजोगुणी की भावना बड़ी गंदी है। जिसमें मैंने कई बार आपको कहा, भगवान ये नहीं देखते कि ये क्या कर्म कर रहा, या ये कैसे कर्म कर रहा, भगवान अंदरू देखते हैं, अंत ये कर्म जो कर रहा है तो क्या भावना रख के, इसकी भावना क्या है। हिंदू धर्म की बड़ी सूझबूझ, बड़ी अच्छी बूझ, भगवान ने कर्म नहीं देखा। मैं प्रचार कर रहा हूँ, हमारे हिंदू धर्म में ये उत्तम सेवा मानी गई, पर भगवान ने ये नहीं देखा कि ये प्रचार कर रहा है। भगवान खुश तब होंगे अगर प्रचार में महाराज जी के नाम पे प्यार में बातें करो। मेरी भावना क्या है प्रचार, प्रचार तो कहीं करते होंगे, पर उनकी भावना क्या है? हाय गाय हाय गाय, उनकी भावना क्या है? ये मिनिस्टर तो कहीं बनती है और बन जाती है, लेकिन जिस जैसा
राज देने वाला कौन बनेगा? महाराज देखिए देखना विशेष जी कितने गुरु थे हमारे भगवान राम के, सारे उनके खानदान की विशिष्ट थे। अब अनेक बनेगी लेकिन विशिष्टता कहां से लाए? आहा, वो विशिष्ट कहां से लाए जो डिग्री हमारी बना दे। अजीत तो अनेक बनेगी लेकिन स्वार्थी तो थे, और वो क्या थे? वो लोग लोग बनाने वाले परमार्थी, ये थे स्वार्थी। और वो क्या थे बेटे? परमार्थी। जो हमारा परमार्थ बना गए तो भगवान ने भावना देखेंगे। हम आए बैठे हैं भगवान के पास आना धर्मस्थान में बहुत अच्छा, लेकिन भगवान की देखने की भावना क्या है? क्या कल्याण के लिए आए हैं? मेरे प्यार में भर के बस ये बात है। भगवान ने कर्म में देखना, कर्म के पीछे भावना। हमारे हिंदू धर्म का ये ऐलान है, भावना कर्म से प्रधान है, भावना कर्म से प्रधान है। याद रखने में दीजिए, भावना कर्म से प्रधान, कर्म से भावना प्रधान बड़ी ऊंची ले जाती है। इधर उधर आपको कहा गया नियत से मुराद, कितना खसम का शब्द है नियत से मुराद, कि आपको मुराद कैसी मिलने वाली जैसी आपकी नियत है। कर्म से मुराद नहीं कहा गया, नियत से मुराद, किस नियत के आधार पर आप कर्म कर रहे हैं? जो भूलती हो इसी अध्याय में कहा गया, जो अध्याय चालू हो गया, किसी काम के होंगे ये पांच सभा पहले आ चुके थे प्रसंग, उनमें पहला लिया गया भाव, सबसे पहला सबब अव्वली अमल का मकाम, सबसे पहला जो कहा गया वो मकाम, उसका आधार, उसका आधार क्या है? जैसे मैं इस चौकी का आधार लेके बैठा, आधार मेरे सहारा, तो कर्म का सहारा भावना। आयो 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 बेटो बच्चों, कर्म का सहारा क्या है? आप धरती के सहारे बैठे, मैं चौकी का सहारा लेके बैठा हूँ, पर कर्म का जो कोई सहारा होगा, हर एक का सहारा होता है, तो कर्म के सहारे में जिसकी ये भावना है, फकत मेरी खातर दोनों बेटा उसका पार हो गया। अब ये कर्म का सहारा क्या? इसी को पातशाही ने कहा, घर बैठ गया रब मिली। ये तो बापू को आकाशवाणी पंजाब में लगातार 15 दिन देनी चाहिए, लगातार 15 दिन बापू 20 पिट्टे पंजाब के अंदर, घर बैठ गया रब मिली, ये नियत होगी। कैसी अपनी नीति गंदी किए बैठे, कैसी खराबी मचाए बैठे, और नियत बर्बाद करके तो बस अपनी बर्बादी के समान आप नुकसान पैदा करते। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं? कर्म तो ये भी कर रहे रजोगुणी, नियत गंदी है, इसलिए भगवान इनके कर्म की तरफ नहीं देखते। वो अपने प्यारे की कर्म की ओर देखती है, तो उसकी नियत बड़ी साफ है, उसकी नियत बड़ी निर्मल है। जरा देखो आजकल करोड़ों व्यक्ति जो भगवान जी आज के श्लोक में प्रकट करने जा रहे हैं, इसी जुमरे में आ रहे हैं, जलील भी इसलिए होंगे तो वो कर्म करते तो है, लेकिन कर्म की भावना क्या है? जो तालीम पे फल का हवस ना, मरेगा बुरी तरह, कर्म कर रहा है लेकिन फल को सामने रख के, और हवसनाक है परले दर्जे का लोग। हवसनाक का मतलब परले दर्जे का लोग। भगवान कहते हैं ऐसे गंदे को मैं देखता भी हूँ और शुक्र कभी नहीं मनाता, और कहता और रब दे दे, और रब दे दे, और रब्बा और दे दे, और रब्बा और दे दे, और रब्बा और दे दे, शाबाश शाबाश शाबाश, और रब्बा मेनू और दे, और रब्बा मेनू और दे, शाबाश बता ले, कभी शुक्र मना जाए। देता है धन उसमें भी कहता है आदमी कल का भी रिजल्ट दे मुझे परवरदिगार, आज मालिक दे भी रहा है, बस वो कभी ये नहीं सोचता कि सामान 100 बरस का और पल की खबर है। सामान 100 बरस का, मैं 100 बरस के सामान पैदा किए बैठा हूँ, मेरा पुत्र ये कहेगा, मेरी जी ये कहेगी, मेरी जवाई ये ले जाएगा, मेरा ये और पल की खबर नहीं। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर। अब ये तालिब है फल का हवसना, कोई ना बने हमारे में से जितने भी आए भगवान ने क्या भेजी है, महाराज जी की वाणी की कदर कीजिएगा। भगवान कहते तालिब वो चाने वाला, क्या फल को चाने वाला, और पड़े प्रदेश का लोपी है, जो लोपी है तालिब है, जो लोपी होगा वो कर्म जरूर करेगा, अपनी बात को मनाने के लिए वो झूठ भी बोलेगा, मकर भी खोलेगा, और बहुत कुछ कर्म करेगा। हार्दिक धन्यवाद।